हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बरसात के मौसम में अक्सर कर हम अपने घरों में चाय पकौड़ी समोसा तो बनाते ही हैं, लेकिन वही चाय पकौड़ी समोसा खा खा कर हम सब बोर हो चुके हैं। तो आज मैंने उसे रिप्लेस करते हुए एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनाई हुई है। आई एम श्योर आपने पहले उसे कभी ट्राई नहीं किया होगा, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके साथ हम बनाएंगे एक बहुत ही बेहतरीन टी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बिकॉज ऑफ बिजी स्केड्यूल हम कोई वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। आज से आपको हर संडे कोई ना कोई वीडियो और व्लॉग जरूर मिलेगा, तो चैनल पर बने रहें। आज की इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें बहुत ही कम सामान की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने लिया एक कप पोहा, आधा कप सूजी, आधा कप दही। एक बोल में सबसे पहले पोहा को लेते हैं और इसे अच्छे से वॉश करेंगे। तो पोहा मैंने अच्छे से रगड़ के वॉश कर लिया है। इसे स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लेंगे, जितना भी पानी है उसे साइड में कर देते हैं और पोहा को रेस्ट करने के लिए रखते हैं। तब तक करेंगे आगे की तैयारी। इसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली है जिसके ऊपर ये जाली वाला स्ट्रेनर रखा हुआ है। इसे ढकने के लिए आप किसी भी प्लेट का यूज कर सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है उसमें से कोई भी स्टीम बाहर ना निकले। तो सबसे पहले कढ़ाई को मैंने गैस पर रखा है, उसमें पानी को ऐड किया है और अच्छे से इसमें बॉईल आने दिया है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और जो स्ट्रेनर है उसमें अच्छे से ऑयल को ग्रीस कर लेते हैं। इस बीच में पोहा भी अच्छे से रेस्ट कर चुका है, तो अब चलते हैं आगे की तरफ। एक मिक्सी का जार लेते हैं जिसमें पोहा को डालते हैं। पोहा बहुत अच्छे से फूल गया है, बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है। इसे बनाने के लिए आप एक ही बोल का यूज़ करें। मेजरमेंट के लिए आप एक तरीके का बोल लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो जार में मैंने सारा पोहा ऐड कर दिया है, इसमें सूजी भी ऐड करते हैं और इसमें जाएगा आधा कप दही। सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। तो डो बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसे बोल में मैंने निकाल लिया। इसके बाद मैंने करी पत्ते लिए हैं, अगर आपके पास हों तो आप ऐड करें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। इसे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। कुछ भी साउथ इंडियन टाइप का बनाए तो करी पत्ता एक अच्छा फ्लेवर देता है, अगर आपके पास हो तो आप ऐड करें। इसके बाद मैंने इसमें नमक को ऐड किया है, नमक आधा चम्मच ऐड किया है, चिली फ्लेक्स मैंने आधा चम्मच ऐड किया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने इसे बनाने में बिल्कुल भी पानी का ऐड नहीं किया है, तो आप ध्यान रखें पानी को ऐड नहीं करेंगे। और आपको ब्लेंड करने में प्रॉब्लम आए तो आप इसे दो बार में ब्लेंड कर लें तो ईजिली हो जाएगा। तो मैंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैंने लिया है इनो, जिसे मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करूँगी, एक चौथाई चम्मच के करीब। और इसमें थोड़ा सा ही पानी भी ऐड करते हैं, बिल्कुल ज़रा सा पानी डाला है। और फटाफट सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। डो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, अगर आपके पास इनो ना हो तो आप थोड़ा सा सोडा भी ऐड कर सकते हैं। हाथों पर मैंने ऑयल लिया है और इसे थोड़ा थोड़ा इसके सेक्शन लेते हैं। आप छोटे साइज का थोड़ा पतला बनाएंगे तो और भी टेस्टी बनेगा, इसलिए मैंने बिल्कुल छोटे साइज की बॉल ली है और बीच में से मैंने होल कर दिया है। तो हमारा वड़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसी तरीके से सारे बना लेते हैं। इसे बनाना बहुत इजी है और ये फटाफट बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात है इसे बनाने के लिए हमने बहुत ही कम सामान का यूज किया है। पानी में बहुत अच्छे से बॉईल आ चुका है, अगर आपके पास इडली का कुकर है तो आप उसमें भी इसे बना सकते हैं, तो और भी इजी रहेगा। मैं सबके घरों में नहीं होता है इसलिए मैंने कढ़ाई का यूज़ किया है। तो देखिए पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है, इसमें स्ट्रेनर को रखेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे 10 से 12 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। बीच में इसे बिल्कुल भी चेक नहीं करेंगे, मैं 12 मिनट बाद ही इसे चेक करूँगी। तो 12 मिनट्स हो चुका है, मैंने चेक किया, बहुत अच्छे से कुक हो गया है। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। अगर आप इसे बहुत ही हेल्दी वे में खाना चाहते हैं तो आप इसे चटनी या सॉस के साथ इसे ले सकते हैं। तो हमारा मेदू वड़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम इसे स्ट्रीट स्टाइल फ्लेवर देने के लिए कैसे बनाएंगे वो भी देखते हैं।
तो गैस पर एक पैन लेते हैं, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें सरसों के कुछ दाने ऐड करते हैं, इसे क्रैकल होने देते हैं। तो सरसों अच्छे से क्रैकल हो गया, इसमें डालेंगे लहसुन की कुछ कलियां। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लहसुन को हल्का सा भून लेते हैं। इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई प्याज, मैंने एक छोटे साइज की प्याज ऐड की है, तो प्याज को भी अच्छे से भून लेते हैं। इसमें ऐड करते हैं कुछ करी पत्ते और हरी मिर्च। मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, जितना तीखा खाना चाहें। तो सब कुछ अच्छे से भुन गया है, कलर भी चेंज हो गया है। इसमें डालेंगे टमाटर, मैंने एक छोटे साइज के टमाटर को बारीक चॉप करके ऐड किया है। टमाटर को भी अच्छे से भून लेते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, मैंने बिल्कुल जरा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और नमक ऐड किया है। इसमें चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं और अमचूर पाउडर। सारे मसालों को भून लेते हैं, गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे जिससे मसाले जले ना। तो सब कुछ अच्छे से कुक हो गया है, इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी। पानी को ऐड करने के बाद इसमें एक अच्छा सा बॉईल आने देते हैं। तब तक मैंने एक कटोरी फ्रेश दही लिया है, जिसे मैंने फैट लिया है, 2 से 3 चम्मच दही को भी इसमें ऐड करेंगे। तो सारी सब्जियां अच्छे से कुक हो चुकी हैं, इसमें 2 से 3 चम्मच फ्रेश दही को ऐड कर दिया है मैंने। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब इसमें एक एक करके वड़े को भी ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, इसे 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से कुक होने देते हैं, जिससे कि सारी चीज़ों के फ्लेवर अंदर तक इसमें चले जाए। इसे एक बार चला लेते हैं। तो हमारा हेल्दी और टेस्टी मेदू वड़ा स्ट्रीट स्टाइल बिल्कुल रेडी है, इसे सर्व करते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने बिल्कुल ज़रा सा ऐड किया है। देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आया है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बारिश के मौसम में वही पुराना समोसा कचौड़ी और ये जो भी होती है ऑयली चीज़ों को स्किप करके इसे ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके बाद बनाते हैं अपने टी को। आज के लोगों के गले बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, तो मैंने इसके लिए एक बहुत अच्छी टी बनाई है, जिसमें हम तुलसी और कुछ मसालों को ऐड करेंगे। तो चलिए उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में 2 कप पानी लिया है और दूसरे बर्तन में मैंने 1 कप दूध लिया हुआ है। दोनों चीज़ों को गैस की फ्लेम को लो करते हुए गैस पर रख देंगे और मैंने इसके लिए तुलसी पत्ते, इलायची, अदरक और गुड़ लिया हुआ है। सबसे पहले अदरक और इलायची को क्रश कर लेते हैं। पानी में बॉईल आ गया है तो अदरक और इलायची को इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद गुड़ को अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। आप गुड़ की क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं, आप जितना मीठा चाहें उस हिसाब से ऐड करें। इसके बाद मैंने 2 चम्मच इसमें चाय पत्ती डाली हुई है। चाय में और दूध में अच्छे से बॉईल आ गया है। दूध वाली गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे लगातार चलाते हुए इसमें दूध को ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, सारा दूध इसमें ऐड कर दिया है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। तो चाय को सर्व करते हैं। इसमें ऊपर से ऐड करते हैं तुलसी की पत्ती, जो मैंने हाथों से क्रश की हुई है। आपको पानी में तुलसी की पत्ती को बिल्कुल भी बॉईल नहीं करना है,
ये चाय आपको खांसी जुकाम में बहुत आराम देगी। तो आप बिल्कुल भी, जब भी आपको खांसी जुकाम जैसा फील हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको आज का रेसिपी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।